50% आ जाती है। बहुत है। एक बार मैं ये वो करता हूँ, मेरा वीडियो यो वाला वीडियो ऑफ करना है हाँ। तो दाड़ा जा स्टॉप वीडियो। ठीक है अच्छा एक सुन, यो कनेक्ट करे और उससे आईपैड पे लेने क्लास पे लेने बात में इसमें करनी, इसमें कैसे इसने कोस्ट पहले का शेयर स्क्रीन और एक बार फिर ये लेकर ये तुम पर पहला एडवांस सेटिंग्स ओनली होस्ट कर दिए हो लेकिन वो मैं फिर शेयर कर पाऊंगा उसमें देख लेना। तू पहले ज्वाइन तो कर तुम करना ज्वाइन है तू है मतलब आज ही हो तुम तू इस पर ले क्लास। अरे तू है मतलब मैं अच्छा। लगा ले आईपैड है तू लगा ले ओम पे कर ले ज्वाइन है। मैं आवाज आ रहा हूँ उसमें आवाज आवाज भी बंद करनी चाहिए। हम न्यूरल पाथ के है ना कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो हमने लिख के दी थी उसमें डिस्कस किया था क्लास में। मैं करूँगा कुछ कुछ मेरे कलीग हैं अभय नारायण पटेल वो कुछ सब करेंगे इस करते स्टार्ट कर लीजिए लेकिन अब मैं वो शेयर करके देखूँ आपको।
दिक्कत थोड़ी सही में थी, यूके से पूछ ले तेरी आवाज आ रही। मैडम रमनी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग आवाज आ सर। रही है मेरी? या यस सर, ओके थैंक यू यस। थैंक यू, बस ठीक आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, थोड़ी ज्यादा करके बहुत है। ओके ये चली जाएगी, ये इसमें डबल दिखूंगा इसको, वो इस मदद में जब वो सर आ जाए तो इसमें जो नाटक फाइनल स्टेट में हाँ जिस नाम का वो हाँ उसमें जाके मोर में साइड में जैसे हाँ उड़ा जाके उसको कोश मार, जैसे पहला ये इसमें टाइम है। ना ना कि मैं कुछ करूँगा ऐसे मिल लगा दे और टांड भी जो पानी अच्छा इसमें जाके जैसे रीत भी आना रहे है एक कोस्ट हाँ उस पर जाके बैठो। ये चीज तो इसमें करूंगा मैं, और ये प्रेजेंटेशन सारी। हाँ ओके इसमें मदद देने ये वाली तारा फोटो आऊं उसमें रहे। हाँ जो इसकी इसमें हटा देना है इसकी तो ईट बंद है, ये तो तेरे ऊपर का शायद पार्टिसिपेंट तो आ गए हो तू, अच्छा, जो सीनियर ईडी तो बंद है जिसमें लॉग इन कर रहा है। तो ये फोटो तो मैं इसे था हूँ, हाँ यो है इसके गूगल में कौन है बच्चे? मॉर्निंग 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 पोस्ट पर आगे वो कर सके ना, तो क्या टाइम पे ज्यादा जल्दी जान कर देना। चलो कोई ना, मैं भी वीडियो कर दूं म्यूट। बिनो मोमो की संभा पो पो भीगो ने मो बिनो मोमो की संभा पे भीगो अदरो
गुड मॉर्निंग सर. प्रदीप सर गुड मॉर्निंग. हेलो हेलो अश्विनी मैम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर मैं अच्छी हूँ. मैं हेलो हाय कैसे हो. मैं भी अच्छा हूँ. क्या कर रहे हो मैम. कुछ नहीं सर क्लास हो गया. कोई नहीं आ गया सर. कहाँ गए सर. अभी मेरे ख्याल में टी ब्रेक पे है. ब्रेकफास्ट करने गए सर. सारे कोचों को गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कोई नहीं सुन रहा सर हमारी. वेरी गुड मॉर्निंग. मनोज सर की आवाज ठीक है. ये नहीं मनोज सर नहीं जी. मनोज सर नहीं है. रामेश दानू मैम नागराज आर के विनोद कुमार योगेंद्र सर. मनोज गुड मॉर्निंग. मनोज को साहब गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैडम. सर आ गए देख लो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. अश्विनी बोल रही है क्या. हाँ जी. गुड मॉर्निंग अश्विनी. गुड मॉर्निंग. थैंक यू अश्विनी मैडम. गुड मॉर्निंग विनोद. गुड मॉर्निंग सर. बैठ बैठ आ रहे इकट्ठे हो लिया तो. प्रदीप आधे घंटे पहले आ जाते हैं क्या स्क्रीन पे. कुलदीप को साहब गुड मॉर्निंग. हम तो जब भी ओपन करते हैं आप मिलते हो स्क्रीन पे. कुलदीप सर गुड मॉर्निंग. क्यों प्रदीप सर. हाँ सर. राजेश को साथ भी आ गए. एसटीजी सर गुड मॉर्निंग टू ऑल कोचेस. गुड मॉर्निंग सर. कुलदीप सर गुड मॉर्निंग. विनोद गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अनिल को साहब. गुड मॉर्निंग खेला. कुलदीप पहलवानी नमस्कार. कुलदीप को गुड मॉर्निंग. साहब गुड मॉर्निंग. कैसे हो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. और सर गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हेलो गुड साहब. गुड मॉर्निंग प्रेमचंद यादव. यादव सर निधि खेले आ रहे हैं. कुलदीप सर आपका क्लास का पीपीटी नहीं भेजा सर. गुड मॉर्निंग सर. कौन सा भेज रखे सर. ओ स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट है सर. ग्रुप में डाला सर. सर झारखंड से गुड मॉर्निंग सर. मैं डाला ग्रुप में मैंने जो लास्ट था ना. हाँ सर. हाँ सर. तो नीर में डाल दूँ. सर गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बोले रही है ना पेरु. हेडफोन हो रहा है.
मेरी आवाज आ रही है कि मेरा वीडियो नहीं जा रहा है उधर वीडियो कहाँ से होगा आ रहा है सर वीडियो गुड मॉर्निंग सर सर गुड मॉर्निंग आ रहा है ओके 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर यस यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर राजवीर दिल्ली राजवीर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर विश्वदीप विश्वदीप गुड मॉर्निंग शाबाश गुड मॉर्निंग सर प्रवीण डिप्लोमा ट्रेनी हां प्रवीण गुड मॉर्निंग ओके नीतू मनोज कुमार रेलवे गुड मॉर्निंग सारा लिख रखा मनोज मनोज रेलवे गुड मॉर्निंग मनोज देख रहा हूं गुड मॉर्निंग भाई आई एम प्रिया सर गुड मॉर्निंग सर नवजीत बंगर नवजीत गुड मॉर्निंग नमस्कार सर अनिल एसएसवी ओके अनिल एसएसवी गुड 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 मॉर्निंग सर राजेश सर राजेश शाबाश गुड मॉर्निंग सर से शाबाश ओके ओके करम ये मेरे वाले ने शायद दूसरा ज्वाइन कर लिया तेरे वाला चला गया इसमें के वो पार्टिसिपेंट ये जियो ज्वाइन कर लिया जियो ने बंद कर दिया यार उड़ते हैं ट्रैक दे कर दो बार फेंक गया इसमें साढ़े ग्यारह बजे तक हाँ सही है नीतू देख रहा हूँ आपके गुड आ जाओ भाई आज आज आपका लास्ट रहेगा ये सेशन हमारा ज्वाइन करो जल्दी जवाब लास्ट सेशन है ये हमारा हमारे 21 दिन का था हमने एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया दो दिन एक्स्ट्रा लिया ज्वाइन करो सर्वर्स गुड मॉर्निंग नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते मनोज नमस्ते नमस्ते सर ओहो मत खाना खाओ गुड आपने तो बताए ले लो तब तक ले लो ना कोई ना आदम हो जाएगी हैं सर आज तो ब्लैक शर्ट अच्छा लग रहा है सर आपका गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर अनिल कुमार एसएसबी से सर एसएसबी से वेरी गुड भाई गुड मॉर्निंग ज्वाइन करो शाबाश ये रवि सर है मॉर्निंग अनिल हमारा लास्ट सेशन रहेगा ये आज है ना ज्वाइन करो गुड मॉर्निंग प्रदीप कुछ साहब गुड मॉर्निंग सर नीलाधर को साहब हाँ सर अरे कैसे हो बढ़िया बिल्कुल आप कैसे हो बिल्कुल बढ़िया सर एक मिनट वैसे आप कोशिश करें
जल्दी ज्वाइन करने की, कभी टाइम कम रहे, कुछ वीडियो दिखाना चाहता था तो थोड़ा वीडियो में टाइम लगेगा, जो हमारे कुछ पोती जी ने पूछा था कि सर कुछ न्यूरल्स के नाम क्या है, हमने कल वीडियो बनाया है बैठ के जाके, तो वो शेयर करेंगे, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी, तो जल्दी ज्वाइन करें प्लीज है, तो उसमें टाइम लग जाएगा, फिर थोड़ा रिवीजन भी करेंगे साथ में, कुछ क्वेश्चंस आए पीरियडाइजेशन पे है, वार्म अप पे कुछ है, कुछ ग्रीको रोमन के कुछ है, तो हम करेंगे बात उस पे, तो वीडियो के इसलिए जल्दी ज्वाइन करेंगे, तो फिर हम टाइम पे शुरू करेंगे, तो एक बार मैं खोलता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। ओके अभी आप थोड़ा बात कर सकते हैं। अश्विनी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुरेश एससीबी। सुरेश एससीबी यस। गुड मॉर्निंग सर। वीरेंद्र सिंह दिल्ली। वीरेंद्र, वीरेंद्र दिल्ली से। ओके गुड। सर नमस्ते, राजीव तोमर। जी राजीव वेलकम आपका। राजीव गुड मॉर्निंग सर। राहुल सर। राहुल सर से, इशार से राहुल। गुड शाबाश। गुड मॉर्निंग। आज हमारा लास्ट सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक दो गुड मॉर्निंग। गुड। हमने एक्स्ट्रा क्लास लिया है, एक दो 21 दिन का था हमारा, 21 डेज। हमारा तो लॉकडाउन में सर जो है आपको देख के दिन सुहाना हो जाता है सर सुबह में। थैंक यू, थैंक यू उसके लिए जी। देख रहा हूँ मैं, अच्छी नॉलेज बढ़ रही है सर। थैंक यू गुड मॉर्निंग सर। योगेंद्र जी। योगेंद्र आ गए हैं। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई थिंक सुजीत है। यस सर। संजय है। गुड मॉर्निंग सर। आवाज से पहचाना संजय और वो उनकी वाइफ सर मैडम, दोनों एक ही पे हैं। चलो गुड। आजा उठा सर। 25 तक तो ग्राउंड रेसलिंग पे भी डिस्कस हो जाए। किस किस पे क्या डिस्कस हो जाए बोलो। शाबाश। ग्राउंड ग्राउंड रेसलिंग पे ऐसा बोल रहे हैं। यस 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 ग्राउंड रेसलिंग। एक वो वेट वाला सर, वेट वाला टॉपिक करना सर थोड़ा। हाँ प्रवीण पर क्वेश्चन किया था वो अपना प्रदीप ने, प्रदीप का वेट का और एक ग्राउंड। टैलेंट स्काउटिंग जो हम लोग सिलेक्शन होने के बाद में वो टेक्निक वगैरह वो बताए था ना सर आपने, वो कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स को क्या कर सकते हैं सर, वो कुछ बता सकते हैं सर? बिगिनर बिगिनर का मैं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल मान। अनिल मान गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बोरोवर इंदौर नम हासल हुडग नोडबलिल एय बिगिनर्स। ओके सर। जितेंद्र सर। जितेंद्र वेलकम भाई। जितेंद्र सर। जितेंद्र भाई। जितेंद्र तोर सर। मोर को सब कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाइट मेजरमेंट कितना लिखना है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को साहब के यादव डिप्लोमा ट्रेनिंग। हाँ वेलकम भाई। गुड मॉर्निंग। राजपूत गुरप्रीत आ गए उधर से। गुरप्रीत है और मैं देखा। गुड मॉर्निंग सर। मरु करप्पा सर। अंदर पुनिया। ओके पुनिया। यस गुड। करप्पा सर बोल रहे सर। गुड मॉर्निंग सर। संदीप रेलवे। संदीप रेलवे गुड मॉर्निंग सर। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। अनिल आ गया। अनिल 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 आ गया। मुंबई मुंबई से। वेरी गुड। मुंबई के अंदर की वजह से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते।
गुड बाय गुड गुड मॉर्निंग सर अशोक यादव गुड मॉर्निंग ओके गुड मॉर्निंग भाई गुड ओके गुड ग्रास कटिंग ओके ग्रास लुकोई सर गुड मॉर्निंग लुकोई सर गुड मॉर्निंग सर ओके चले हम अब ओके गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बात ऑफ थैंक्स मैं ओके आई थिंक म्यूट कर म्यूट हो गया ओके ओके मैंने म्यूट किया तो हम थोड़ा सा बात करेंगे इधर से पहले तो मैं प्रोग्राम बता दूं आपको आज का क्या रहेगा हम कुछ वीडियो शेयर करेंगे न्यूरल्स के कोशिश की हमने कल मैट पे जाके कुछ वीडियो बनाए जितने मेरे से बन पाए दूसरे फिर अभय नारायण पटेल मेरे कलीग है उनसे हेल्प ली और ऐसे करके हमने कोशिश की बट उसको शेयर करेंगे उसके साथ कुछ क्वेश्चन ले लेंगे कुछ रिवीजन करेंगे और मैंने पीपीटी भेजा था सो तो कुछ आज सुबह बनाया मैंने उसको शेयर किया था तो जिन लोगों को नहीं मिला वो एक दूसरे से ले लें वो ग्रुप में डाले हैं मैंने वो एक आपको कभी भी व्हेनेवर यू आर फ्री यू कैन गो थ्रू इट उसमें थोड़ा देख लें थोड़ा सा उसमें तो एक तो वो बात है दूसरा हम डिस्कशन करेंगे और ये आपका लास्ट सेशन रहेगा क्योंकि ये 21 डेज का था हमने एक एक्स्ट्रा दिन भी लिया एक दो दिन तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो भी एड्रेस करेंगे लास्ट में तो राम सिंह सांगवान सर ने ज्वाइन किया है यस यस तो ये थोड़ा सा मैंने बताया और मैं देख रहा हूँ सभी ज्वाइन कर लें तो हम डिस्कशन शुरू करें तो एक बार मैं और खोलता हूँ आपका अनम्यूट करता हूँ एक दूसरे से आप थोड़ी देर दो मिनट के लिए ओके ओके गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विष्णु गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर सर आज अगर टाइम पूरा हो जाए तो और डिस्कशन पूरा नहीं हो तो सर कल के लिए कर सकते हैं क्लास और बढ़ा सकते हैं प्रदीप कुछ तो मेरी आवाज सुन रहे मैं परमिशन ले लूंगा एक दिन के और मैंने बात किया था कल जो बोले तो उधर से कोशिश कर सकते हैं आपकी क्लास ठीक है सर और नाना करेंगे मजा आएगा उनमें तो ना समझ में आ रही है अलाइड साइंस में थोड़ा सा वो इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है अनिल कोच साहब है उन्होंने बोला लेकिन मैं उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता मैंने मैसेज तो किया था बस इतना ही कर सकता हूँ वेरी गुड मॉर्निंग गुरुजी डिप्लोमा ट्रेनी विजयपाल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके शुरू करते हैं बिसाइड टाइम हो गया हमारा टाइम हो गया ओके हां हां प्लीज एक्सक्यूज मी है बाद में बात पीडीएफ खोल के जान सर वो खुल नहीं रहा सर खुल नहीं रहा किसका नहीं खुला सभी का खुला किसी को प्रॉब्लम आ रही है आपके सिस्टम में कोई ऐप नहीं होगा खुलना चाहिए अच्छा सर वो बात कर लो किसी से हां ट्राई करना ओके आगे कोशिश आगे से बस काफी टूर्नर से ऊपर आ गए तो पहले तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ एक प्रीडाइजेशन में आया हुआ है प्रीडाइजेशन की मैं उसमें शेयर भी नहीं भूल गया उसमें मेरे को
लैपटॉप पे थोड़ा जल्दी सुबह में जल्दी में वो प्रेडाइजेशन वाले कुछ मैं और शेयर कर दूंगा आपसे उसमें पीपीटी वो जो पॉसिबिलिटी होगी तो मैं बाद में करूंगा मेरे पास टाइम होते तो अभी आ रहे हैं विनय प्रजापति यस श्याम बुराकी यस और गुड मॉर्निंग सभी को ओके तो प्रेडाइजेशन में एक मैडम कोचा उन्होंने पूछा था कि सर हमारा आपने जो दिया वो वन ईयर का या सिंगल पीरियडाइजेशन था माने सिंगल माने एक ही कंपटीशन के लिए तो हमारे तो बच्चे कई कंपटीशन लड़ते हैं तो क्या करना चाहिए ऐसा पूछना चाहते शायद वो तो एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यूट्यूब पे एक लिंक है उसमें अगर आप यूट्यूब पे OPNIS करके डालेंगे तो उसमें पीरियडाइजेशन का एक ट्यूटोरियल डाला था मैंने डिप्लोमा के कोर्स के लिए तो वो आपको हेल्प करेगा समझने में पीरियडाइजेशन तो ये मैं इसके बहाने ये बोल रहा हूँ तो आप उसमें देख सकते हैं आई रिपीट यू गो ऑन यूट्यूब एंड पुट द OPNIS पटियाला और पीरियडाइजेशन व्हाटएवर वर्ड्स पॉसिबल तो आप वो खुल जाएगा ट्यूटोरियल वो उसको आप देख सकते हैं पीरियडाइजेशन का तो उसमें ऐसा है कंपटीशन अगर आपके बच्चे ज्यादा लड़ रहे हैं तो उसके हिसाब से जो कंपटीशन लड़े उसके बाद छोटा सा 5 to 7 days का एक छोटा सा रिकवरी देके उसको ट्रांजिशन छोटा सा और फिर दोबारा उसको ट्रेनिंग शुरू करा दो लेकिन जब दोबारा करा रहे हो जैसे जैसे कंपटीशन ज्यादा है साल में तो प्रिपरेटरी पीरियड कम हो जाएगा और कंपटीशन पीरियड बढ़ जाएगा जब दूसरे कंपटीशन के लिए जाएं तैयारी करें तो प्रिपरेटरी पीरियड वाली जो ट्रेनिंग है ना वो कम कर दो बिल्कुल छोटा कर दो उसको कंपटीशन टाइप की ट्रेनिंग है वो बढ़ा दो फिर तीसरे कंपटीशन में जाएं ऐसे ही उसमें प्रिपरेटरी को फिर छोटा कर दो लेकिन रिकवरी जरूर दे दो ये कंफ्यूजन है वो चीज में कि कंपटीशन के बाद रेस्ट नहीं करते 2-4 दिन का रेस्ट आपको करना चाहिए वो बहुत अच्छा है वो आपको फायदा देगा वो ये हमारी आदत रहती है ना कि एकदम से ही लगातार चलो ग्राउंड पे मैट पे ज्यादा एंथुजियाज्म में उससे स्टैग्नेशन आती है स्लो 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 रिजिडिटी आ जाती है अकड़पन आ जाता है और नुकसान होता है हमें बॉडी को रिलैक्सेशन भी देना चाहिए तो आपको अगर लास्ट कंपटीशन है आपका भाई सपोज मैं एग्जांपल उसमें दिया था सपोज आपने नेशनल चैंपियनशिप है उसके लिए पेडाइज कर दिया नेशनल चैंपियनशिप के बाद पे ट्रायल के लिए है ना छोटा सा दे करके रिलैक्सेशन का फिर कंपटीशन पीरियड छोटा रखे कंपटीशन में ले जाओ फिर आपका ट्रायल में जीत गया आपका क्वालिफिकेशन में जा रहा है वहां पर फिर प्रिपरेटरी छोटा कर दो कंपटीशन बढ़ा करके फिर लड़ा लो और ओलंपिक के लिए जा रहा है आपको बच्चा ओलंपिक में जाए तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है वहां पर बच्चा रेसलर आपका फड़क में होना चाहिए और उसके लिए प्रेडाइजेशन जरूरी है लास्ट के में टैपरिंग करना चाहिए लास्ट वीक में और इसी के साथ में एक और मैं ये वेट के बारे में पूछ रहे थे कि इसके ऊपर थोड़ा देखो वेट का भी सेम डे वेट हो रहा है और आप देखना कि वेट अभी मैटर इतना नहीं करता जैसे पहले आप ड्रास्टिक मेथड से आप एकदम से उसको कम कर रहे हैं और वो पॉसिबिलिटी नहीं है अभी आपके रैपिड मेथड जो हम पढ़ाते हैं इधर वो नहीं वो इतना काम नहीं करेगा आपका क्योंकि आपका वेट फाइनल में जा रहे हैं दूसरे दिन वेट आपका हो रहा है तो और सेम डे वेट हो रहा है उसमें भी रिकवरी कम रहेगी आपकी लेकिन परसेंटेज में पूछ रहे थे कोई कोचेज कि कितना परसेंट कम करना चाहिए तो आपको मैंने एक बताया था मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में उसमें बताया था आपको उसमें मैंने शेयर किया था वो एक बार मैं दोबारा उस पर जाऊंगा ताकि वेट कम करने का आपका आइडिया टू रिड्यूस द वेट वो क्लियर हो जाए ये क्वेश्चंस को मैं उसके थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करें प्लीज मैं एक बार वो ढूंढूंगा उसमें मिल जाएगा मेरे को मॉर्फोलॉजिकल morphological analysis
शायद ये है, ये खुले पर आया नहीं, आया नहीं, नहीं आ रहा भाई। मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, दोबारा से कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ओहो नहीं आ रहा आज, क्यों नहीं आ रहा, वेट करो एक बार फिर थोड़ा सा, बस एक बार और ट्राई करो, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। एक बार और ट्राई, एक मिनट, आएगा आएगा आएगा, वेट कर लो थोड़ा सा। उसमें मैंने बताया था कि फैट परसेंटेज का एक था उसमें, आठ से ऐसे मैंने उसमें बताया था, 15 तक लड़कियों में बताया होगा। ओके ये देखो, ये आ गया, अभी आ गया साइड ना, यस। इसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं देखने में आपको फिट लगते हैं, लेकिन उनका वेट, आपने वेट कम करने से पहले आपका ये चेक करवाना चाहिए, फैट परसेंटेज ये चेक करवाओ, चेक करवाओ, ये चेक करवाओ, वेट कितना परसेंट कम करना है इस पे डिपेंड करेगा। अगर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है, ये 8 से 12 में मेल का है, ये लड़कों का है, ये लड़कियों का है, अगर इस रेंज में है इट्स ओके, लेकिन वेट कम करते समय किसी का 4-5% तक है, आपने वेट कम कर रहे हैं, इतना फैट परसेंटेज आ गया, इससे नीचे अगर आप जाएंगे तो इट्स डेंजरस, खतरनाक है ये, खतरनाक। तो वेट का कितना वेट कम करें इस पे डिपेंड करेगा आपके, इस पे डिपेंड करेगा, मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ाया था, दिस इज द थिंग, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। व्हेन यू रिड्यूस वेट यू ट्राई टू फाइंड आउट फैट परसेंटेज, इट्स वेरी इजी, आपका स्किन कैलिपर से टेस्ट ले सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं, आपको ज्यादा महंगा नहीं आता, मंगाते रखो वो फार्मूले में डालो, आपको पता चल जाएगा, कोचिस प्लीज ये रखो एक इसका इंस्ट्रूमेंट, तो उससे पता चल जाता है बच्चे का कि कितने फैट है उसमें। और फैट परसेंटेज अगर इस रेंज से बाहर है तो वेट करना ही चाहिए आपको, कम करना ही चाहिए, चाहे आपका वेट उसका कैटेगरी से आपको प्रॉब्लम है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, अगर ज्यादा फैट है तो आपको नुकसान ही है। ये फैट का मैं बात कर रहा था उस पे, फैट परसेंटेज पे। दूसरा पेरिडाइजेशन का हो गया, पेरिडाइजेशन में एक से ज्यादा भी कंपटीशन, और दूसरा एक और बता रहा था मैं कि अब हम जो वीडियो देखेंगे ग्रीको रोमन के जो न्यूरल्स है ना, उसमें मैं एक चीज इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुने, कि बेकार के साथ अगर बच्चे में टर्न की हैबिट नहीं है, हमारी हैबिट क्या रहती है, बेकार पे जाते हैं, पीछे ब्रिज पे जाते हैं, सीधे पहले ब्रिज पे जाते हैं, और वो सबकॉन्सियसली रिफ्लेक्स पे चलाया जाता है, इसलिए टर्निंग की आदत कम रहती है, मीन्स going directly on bridge, it goes on your reflex and you lose the habits of turning. Turn नहीं कर पाते, इसलिए हमने है ना neurals में डाला है, turning is important. Mat के नजदीक सिर जाने से पहले turning अगर वो neural में डाल देंगे, उसकी habit is most important. Greek Roman की है, हमने इसमें बात करनी थी। तो कई कोचिज ने न्यूरल्स के है ना, न्यूरल्स अगर आप गलत सिखा गए बच्चों को ना, फिर परेशानी होती है, इसलिए न्यूरल्स के बारे में कुछ वीडियो में दिखा रहा हूं आपको कि उसका मायना क्या है, आप सुने उसको और देखें। लेट्स गो देयर, स्क्रीन शेयर,
स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग न्यूरल पाथ के है ना, कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो हमने लिख के दी थी उसमें डिस्कस किया था क्लास में, मैं करूँगा कुछ कुछ मेरे कलीग हैं अगर नारायण पटेल वो कुछ सब करेंगे, कोशिश करते हैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। उसमें पहला था, उसमें लिखा हुआ है आई लेग एक्शन या स्टेपिंग, फ्री स्टाइल की हम बात करें, आई लेग एक्शन या स्टेपिंग। उसमें पहले देख लीजिए इसमें आपको करना क्या है, जैसे रिकवरी में आप स्टेपिंग करना है, दूसरा पांव साथ आएगा तभी आपने आपका एक्शन करना है, एंड आपने रेसलिंग में रहना है, खड़े नहीं हो जाना। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं रेसलिंग में हूँ, आगे रेसलिंग में, ये था हाई लेग एक्शन या स्टेपिंग इन फ्री स्टाइल। इसी में एक थंब ब्लॉक है, कोशिश पूछ रहे थे थंब ब्लॉक कहते हैं, तो हाई स्टांस होता है तो थंब ब्लॉक अपने आप को डिफेंस करने में हम यूज करते हैं। देखिए जैसे मैं अभी रिकवरी मशीन में हूँ, थंब ब्लॉक मेरा पेट से बाहर है, मैंने हाथ को सीधा कर रहा हूँ, ये हाथ जो मेरी है पाम है ये बाहर की तरफ होंगी, देखना ये था थंब ब्लॉक। अब इसी में कॉम्बो बनाएंगे, यानी करके कई बार मौका होता है आप रोक रहे हैं और एकदम हाई लेग का एक्शन, तो ये मोमेंट थंब ब्लॉक टू हाई लेग एक्शन कॉम्बो, थंब ब्लॉक आपने रहना है रेसलिंग में, कभी भी पीछे नहीं हटना, कभी भी पीछे जब अभी हम एक और एक्शन करेंगे नी ड्रॉप, और वो पेनेट्रेशन स्टेप भी उसको बोलते हैं, कहीं आपको मिलेगा लिटरेचर में। तो ये जो मोमेंट है ये मिडिल स्टांस या मीडियम स्टांस का है, तो अभी देखो कोच आप करते हैं नी ड्रॉप करो प्लीज, हाँ मौसम में रहना, या ओके ओके गुड रिलैक्स। अभी एक एक्शन हो रहा है, ये तो मैं कह रहा हूँ मीडियम स्टांस में हम करते हैं, और ये इसको बोलते हैं स्प्रांग। तो दिस इज माय मिडिल ऑफ मीडियम स्टांस, यहाँ से मैं मौसम में हूँ, ये कभी मौसम है, यहाँ से जहाँ मेरे पांव रखे हैं वहाँ मेरे हाथ रहेंगे, और आपने रेसलिंग में रहना है, रेसलिंग में रहना है, स्प्राल स्प्राल ये मान के चलते हैं अपोनेंट को मैं यहाँ रोक लूंगा, ये आपको रिफ्लेक्स पे लेके आना, स्वभाव में लेके आना बच्चे के,
रेसलिंग चल रही है, जैसे ही अपोनेंट आ रहा जल्दी उठना है ताकि रेसलिंग में आप आए। तो ये स्प्राल था। अभी हम करेंगे नीड रोप और स्प्राल का कॉम्बो, वो अगर से करेंगे। चलिए ठीक है, अभी एक एक्शन और है। अभी हम करेंगे स्प्राल और नी ड्रॉप का कॉम्बो। स्प्राल कर रहे हैं, स्प्राल कर रहे हैं और फिर नी ड्रॉप कर रहे हैं। स्प्राल और नी ड्रॉप, स्प्राल ये नी ड्रॉप किया। इसका कई बार मौका आता है हमें, ये बच्चे के रिफ्लेक्स पे होना चाहिए। स्प्राल नी ड्रॉप, वेरी गुड। स्प्राल नी ड्रॉप या ओके, गुड गुड। अभी थैंक यू। अभी हम करेंगे स्प्राल और दोबारा नी ड्रॉप का कॉम्बो। स्प्राल कर रहे हैं, स्प्राल कर रहे हैं और फिर नी ड्रॉप कर रहे हैं। आई थिंक आवाज आ गई। तो अब हम करेंगे आर्म ब्लॉक बोलते हैं इसको। जब अपोनेंट कोई लो स्टांस का होता है, लो स्टांस का पेनिट्रेशन करने की कोशिश करता है, अंदर आने की कोशिश करता है, तब उसको आर्म ब्लॉक से आप रोक सकते हैं। जैसे ये लो स्टांस है, यहाँ से ये आर्म ब्लॉक है, ये आर्म ब्लॉक है, ये आर्म ब्लॉक है, ये आर्म ब्लॉक है, ये आर्म ब्लॉक है। आपको नीचे लेके जाना, ये आपके रिफ्लेक्स पे होना चाहिए, बच्चे के स्वभाव में होना चाहिए। पीछे जा रहा था, ये था आम ब्लॉक। आम ब्लॉक बंद करते हैं। ओके आवाज आ गई। तो अब हम करेंगे आम ब्लॉक। ओह सॉरी सॉरी, ओके। ये हम कर रहे हैं नी स्पिन रिवर्स। ये देखो नी स्पिन, ये मिडल और लो स्टांस का एक्शन है, मूवमेंट्स बहुत अच्छा है इसका। ये बच्चे के रिफ्लेक्स में होना चाहिए, अगर लो मिडल में रहना है तो ये आना ही चाहिए। यस गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, शाबाश। अभी हम करेंगे आर्म ब्लॉक एंड नी चोपिंग, दोनों का कॉम्बो करेंगे। कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन। ये आर्म ब्लॉक किया, वेरी गुड। आर्म ब्लॉक किया, नी चोप, वेरी गुड। आर्म ब्लॉक किया, नी चोप, यस वेरी गुड, थैंक यू। करेंगे नी चोप एक्शन, ये रह गया था। नी चोप करेंगे, मोशन में रहो, मिडिल स्टांस का एक्शन है। यस यस यस, वेरी गुड। मोशन में यह, वेरी गुड, शाबाश। इसमें हाथ बाहर से जाता है, यस हाथ बाहर से जाता है। चोप करते हैं ना, ऐसे काटते हैं किसी चीज को। यस ओके, ग्रीको के न्यूडल्स करेंगे जो हम वार्म अप में डालेंगे और टेस्ट के लिए भी। तो उसमें पहला है क्लिंचिंग, क्लिंच करना, यानी स्टेपिंग के साथ क्लिंच करना। आपको मालूम है ग्रीको में अपराइट स्टांस होता है, अपराइट स्टांस होता है, अपराइट स्टांस, ये अपराइट स्टांस है, यानी यहाँ से निकले या आए, उसमें आई स्टांस को एल्बो नजदीक गई, अपराइट में हो, ये बनता है मेरा ग्रीको का स्टांस। ग्रीको में आपका क्लिंचिंग, ये क्लिंचिंग है, मोशन मोशन क्लिंचिंग सर,
हमें ये देखना है कि बच्चे के स्वभाव में भी आना चाहिए, जैसे ही स्टेपिंग करें आपका रियर लेग जल्दी बेस में आना चाहिए ताकि वेट बेस में रहे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते ग्रीक और रोमन में वेट बेस से बाहर रहे, इसलिए जल्दी आना चाहिए पांव पीछे वाला, इसको बोलते हैं क्रिंचिंग या स्टेपिंग ग्रीक और रोमन। जैसे अब हम करेंगे बैकआर्क एंड टर्न, बैकआर्क एंड टर्न, ए ये गए आगे टर्न हुआ, ए ये स्केपिंग किया और ए या टर्न हो गए, रेसलिंग में है लेकिन वो ए यस एंड टर्न, ओके गुड, ये बैक बैक स्टेप या दो भी एक्शन करेंगे, जैसे रिलैक्स हुआ गुड, मोशन मोशन मोशन, पांव आगे ले जाओ स्टांस लेग, दूसरा जोड़ो टर्न करो, ये बच्चे में आदत होनी चाहिए, यस गुड, ये है बैक स्टेप बोलते इसको, यस या दो भी एक्शन बोल सकते हैं, या ये ग्रीको का एक्शन। जैसे अब हम करेंगे बैकआर्क एंड टर्न, बैकआर्क एंड टर्न, ए बैक आर्क एंड फॉल, देखिए बैक आर्क किए यहाँ से ये आगे आए, यस वजन को अपने बेस में रखना है गिरने के बाद ना, उठते समय पहले स्टांस लेग आगे आएगा, ये स्टांस लेग आ गया फिर उठे आप, ये जरूरी है बच्चों को सिखाना है, एक बार फिर करो सर, ये यस गुड वेरी गुड। ओके ये ने थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे को ये सर कुछ चीजें समझ में नहीं आई, नी चॉपिंग क्या है, व्हाट इज नी चॉपिंग और ऐसे स्टफ नहीं थे, तो इसलिए ये वीडियोस कुछ डाले ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, लेकिन इनको है ना जैसे रैंडम ना वार्म अप के दौरान रैंडम करना है, रैंडमली आपने करना है, हर रोज वार्म अप में इनको डालो, क्योंकि मैटवर्क करते हैं आप, मैटवर्क का न्यूरल एक्चुअली नहीं करते हैं तो वो रेसलिंग वार्म अप है नहीं, किसी भी रेसलिंग का किसी भी खेल का वार्म अप होता है उसके LMT अपना MLT से मेल खाना चाहिए, और इसलिए यहाँ पर आपको जो न्यूरल करते हैं इसमें मैक्सिमम स्पीड दिखाना चाहिए, दूसरी स्ट्रेचिंग में दूसरे में स्पीड दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूरल्स में गो ऑल आउट स्पीड दिखाइए और रैंडम करिए इनको मूवमेंट्स को ना, जब सीख जाएं बच्चे 3 to 6 weeks में सीख जाते हैं, तो रैंडम का मतलब होता है कि आपने फर्स्ट 30 seconds में जितनी बार रिवाइज कर सकते हो सभी मूवमेंट्स को रिवाइज करो, ये जरूरी नहीं है पहले ये करो ये करो ये करो, अगर ये रिफ्लेक्स पे चले गए बच्चों के ये एक्शन तो आपकी शिफ्टिंग इन फ्री स्टाइल बहुत स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि ये मूवमेंट फोर्स करेंगे आपको शिफ्टिंग के लिए, स्टांस का ये सारे स्टांस के मूवमेंट्स हैं, तीनों स्टांसों के फ्री स्टाइल के, और ग्रीको रोमन में आपको बैक आर्क एंड टर्न इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चे के स्वभाव में होना चाहिए, और क्लिंचिंग के टाइम पांव पिछला रियर लेग जल्दी आके आना चाहिए, इसमें सारा 90 seconds का तो काम है, बट वार्म अप में अगर आप स्प्रिंट लगा रहे हैं डड्डू चाल चल रहे हैं और ये जंप अप जंपिंग और ये एक घंटे का वार्म अप टायर्डनेस एनर्जी वेस्ट नो, क्योंकि हमने एक टेक अवे था वार्म अप इज जस्ट प्रिपरेशन, वार्म अप तैयारी के लिए रखिए वार्म अप को, वार्म अप में बच्चे की ताकत बढ़ाना और ये दिमाग में मत रखिए, इससे रॉन्ग थिंग, इसलिए इसके ऊपर हमने
काम किया था। तो ये कुछ कोचिज के क्वेश्चंस थे कि हमने इसको कैसे करना चाहिए। लेकिन हाँ, कराते समय आपको जब सीख जाए बच्चे, तब आप इसको 30-20-10 सेकंड में डालिए और रैंडम कराइए। हमने पहले एक बार इसका किया था, दिखाए थे कुछ वीडियो, एक बार और दिखाते हैं थोड़ा सा आपकी, उस तरीके से आप करिए। याद दिला रहा हूँ बस, मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा आपको, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको। न्यूरल पाथ करेंगे 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। रेडी पोजिशन गो। सेकंड रेस्ट, अब 20 सेकंड करेंगे। रेडी पोजिशन गो। स्टॉप, 20 सेकंड रेस्ट, लास्ट टाइम करेंगे भी 10 सेकंड, लेकिन फास्ट करेंगे। Ready, position, go! Neural path करेंगे ग्रीक और रोमन, 30 सेकेंड rest, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड रेस्ट और लास्ट में 10 सेकेंड। ओके, पोजीशन गो। करम स्टॉप, 30 सेकंड रेस्ट। और देखिए इसमें प्रोसेस, 20 सेकंड करेंगे पहले पोजीशन गो। याद करो जो भाग रहा है, हाँ मतलब जो भाग रहा है कौन साइड स्टॉप, 20 सेकंड रेस्ट ना करते वीडियो ऑफ कर दिया उसको, ओके चले सेटिंग के पे कर दो, लास्ट करेंगे 10 सेकंड लेकिन तेज करेंगे, वेरी फास्ट। पोजीशन गो। इसकी वीडियो ऑन कर दिया गरम कोस्ट टाइम में फिर वो बात ये तो स्टॉप, रिलैक्स। एक मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा, इसमें कोच भी कर सकते हो ना। Okay.
ओके ओके हमने ये वीडियो थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराने के लिए और थोड़ा सा जस्ट गिव एन आइडिया टू गिव एन आइडिया इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जो अच्छे रेसलर हो तो पक्का करेंगे और इसीलिए वैलिडिटी इसकी हम इसमें एस्टेब्लिश हो रही है कि बिकॉज कंटेंट्स जो है इसके वो रेसलिंग के हैं इसमें और इवन वो लास्ट वाला वीडियो था ना कोचिज का था कोचिज भी कर सकते हैं इसका तो ये कोई रिफ्रेशर कोर्स के लिए दौरान आए थे कोचिज उसका बनाया हुआ था वैसे तो किसी ने भेजा मेरे को तो कहने का मैंने ये है कि इनको आपने वार्म अप में डालना चाहिए अब मैं दूसरे सिस्टम पे जा रहा हूँ और हम डिस्कस करेंगे अब तक की जो बातें हुई उनको मैं स्टेप बताते चलूंगा थोड़ा सा मेरे से बेर करो दो ना ना मेरा आवाज ठीक है मैं थोड़ा सा वेट करेंगे मैं बता सकता हूँ उसको देख चला था उसमें सारी वीडियो मेरी वीडियो ना आ रहा हूँ ना उसमें जाके के नाम से चलो के फिर मेरे को पता नहीं तो उसे फिर जाऊँ किसी को तो उसके लिए अठानी है मैंने तो फिर एक के करूँगा आऊँ तो करूँगा तो आ जाओ रुक जाएगा इसकी आवाज तो कर रहे आवाज तो कर रहे मेरी आवाज आ रही है ये अमर सिंह बताएगा अमर सिंह आवाज आ रही है मेरी हाथ उठा कर आ रही है आ रही है आवाज तो किस तरह नहीं आ रही है इसने इसके बाद म्यूट कर दिया आवाज म्यूट कर दिया म्यूट कर दिया कुछ इशू आ गया है जगमाल सर बताएंगे मेरी आवाज आ रही है ओके आ रही है ओके ओके थैंक यू वीडियो दिख रहा है मेरा वीडियो नहीं दिख रहा आ रहा है ओके नो प्रॉब्लम ओके हम इस सिस्टम से बात करते हैं ओके नो प्रॉब्लम प्लीज एक्सक्यूज मी है थोड़ा सा इसमें वो होस्ट वाला हटके है ना अभी वो तो काम हो गया ना ये आ गया स्पीकर व्यू कर दियो बस ये समझ में आ गया स्पीकर व्यू कर
स्पीकर में तो आवाज आओगी ना 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 जो बोल रहे तो आवेगा नहीं समझ आ रही है नहीं बीच में जोड़े को नहीं कोई जोड़े को नहीं हटा फिर को मैं इसमें ठीक हूँ क्रम उसमें को नहीं करना हुआ ठीक कनेक्टेड आगे बस कनेक्टेड आवाज तो आ रही है तेरे इसमें को नहीं मिला दीजिए आओ आवाज में ये बीच में आओ बीच में आ तेरा ये तू तेल लो तेरा तेरा होना वहां से देते ओके 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 आ रहा है यार नो प्रॉब्लम शुरू करते हैं बस थैंक यू ओके 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 शुरू करते हैं भाई शुरू करते हैं नो प्रॉब्लम तू ऑन करके ज्वाइन कर लिया ओके हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कुछ फिर क्वेश्चन ले लेंगे आई थिंक जो मेरा आज का काम था एक वो तो मैंने कर दिया कुछ हमने थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने जो जो बात करी थी मॉर्फोलॉजी भी बात करी थी रोल ऑफ WFI की हमने सारे जो लेक्चर थे वो मैं देख रहा हूँ किसी में कोई जरूरत हो तो आप बताना मेरे को कंटिन्यूम हमने किया था टीचिंग प्रैक्टिस ट्रेनिंग का इंटरवल ट्रेनिंग को हमने जरूर किया था डायनेमिक ऑफ रिकवरी के ये हो गए थे रोल ऑफ न्यूरल पाथ मैं याद दिला रहा हूँ आपको इनमें से किसी को कोई पूछना हो आप पूछ सकते हैं रोल ऑफ बायोमोटर्स इन ग्रीक और रोमन रेसलिंग वो हमने किया था की फैक्टर एनालिसिस किया था रेसलर को एनालाइज कंपटीशन को हम नहीं कर पाए या रेसलिंग को नहीं कर पाए इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेडाइजेशन का हमने किया था ट्रूमाज रेसलिंग का शुभम ने लिया था ट्रेनिंग शेड्यूल ये हमने किया था कोड ऑफ कंडक्ट ट्रेंड्स ऑफ स्कोरिंग कुलदीप कोच साहब ने लिया था टेसिट रेसलिंग थोड़ा सा किया था टैलेंट सिलेक्शन स्कोर हमने किया था इसका हाँ टैलेंट सिलेक्शन में स्कोरिंग और ये किया अभी अभी मैं आपको पॉइंट्स कोई भी अब तक हमने डिस्कशन किया उस पर आप एक एक करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्कशन हम करेंगे उसी बात पे करेंगे सारा डिस्कशन सारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है तो मैं आपको म्यूट ये करता हूँ और अपनी फीडबैक भी आप दें ये कोर्स कैसा रहा है ठीक है बोल रहे हैं अभी आप शाबाश तो गुड मॉर्निंग सर कुड आई वांट टू आस्क थिंग आप पूछिए कौन पूछ रहे हैं पूछिए सर नाम बोलो सर आई एम कृष्णा बोल रही है भाई बाकी मत बोलो प्लीज हाँ कृष्णा बोलो क्या पूछना सर आपने जो टेस्ट के बारे में बताया था कि आप एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ सर फर्स्ट तो मैं आपको बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आप इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं इस टाइम पे इसके लिए हमें काफी सारे कोच जो साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं उनकी जरूरत होगी तो मैं इस टेस्ट के बारे में सर ये कहना चाहती हूँ जैसे हमने इस टेस्ट को करने की कोशिश की है तो हाउ वी फिक्स इट्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी validity of components and tester both क्योंकि किसी भी normative value से हम इन coaches को कैसे करेंगे ये coaches कैसे reliable है valid है हम कैसे इसको कर सकते हैं okay okay कोई भी normative value नहीं है hold on okay okay सुनिए अभी I got it मैं एक बार आप सुनिए मेरे सुनिए
ओके, उनका क्वेश्चन था भाई इसकी हम रिलायबिलिटी या उसकी वैलिडिटी कैसे करें, किसी भी टेस्ट के ना मोटे तौर पे उसकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैलिडिटी तो तभी होगी जब उसका रिलायबल का मतलब होता है बार बार उसको करें तो सेम स्कोर आए, और ऑब्जेक्टिविटी वो होती है कोई भी करे सेम स्कोर आए, मैं करूं या कोई एक्स वाई जेड कुछ भी करे तो रिफ्लेक्शन सेम आए। लेकिन वैलिडिटी जो है वो होती है कि जिस चीज को आप नापना चाह रहे हैं वो नाप रख नहीं चाह रहा, वो हम तो रेसलिंग के लिए कर रहे हैं, क्या वो रेसलिंग से उसका कोरिलेशन है या नहीं, उसी की हम कर रहे हैं। उसके तीन तरीके होते हैं वैलिडिटी देखने के, उसकी एक जो तरीका है वो हम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हैं कंटेंट वैलिडिटी के। कंटेंट में होता है फैसेट्स ऑफ द टेस्ट यू आर कंडक्टिंग फॉर, टेस्ट यू आर कंडक्टिंग फॉर, फॉर किस लिए, रेसलिंग के लिए। तो जो इसके कंटेंट्स हैं हमारे वो तो रेसलिंग के ही हैं, लेकिन हम लगातार 2-3 साल से इसमें लगे हुए हैं और जो बच्चे आते हैं उनके ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहा है और हम स्टेटिस्टिकली विल प्रूव दैट इसकी वैलिडिटी है इस टेस्ट की। और इसीलिए मैं बोला कि आप भी अपने इसको कंडक्ट करके और हमारे को फीडबैक दो, सर ये अच्छे रेसलर जो हैं उनका स्कोर अच्छा आ रहा है, जो रेसलिंग में अच्छे नहीं है उनका स्कोर खराब आ रहा है, तो उससे वैलिडिटी अपने आप डिसाइड होगी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रेंट वैलिडिटी, और दूसरी हम करेंगे उसके बाद वो अपने आप हो जाएगी अगर ये हमारा फिक्स हो गया। तो हम टेस्ट को बाजार में लेके आते हैं ना, टेस्ट को यानी कंज्यूमर के लिए लेके आते हैं, तो वो फिक्स होने के बाद ही लेके आते हैं, नहीं तो नहीं लेके आते। दूसरा टेस्ट इसमें है ना ब्रिज का टेस्ट है, ब्रिज टेस्ट का ऑलरेडी है, उसका जितना ब्रिज छोटा होगा मेथड है उसका, वो देख सकते हैं आप उसको, तो हम उसके बाद ही इसको इसमें डालेंगे। इसलिए तो हमने तो कोई हमारे से टेस्ट मांगता है तो हम कोशिश करते हैं भाई ऐसे टेस्ट दे हमको जिनकी ऑलरेडी वैलिडिटी एक्सपर्ट है, लेकिन रेसलिंग का अभी तक कोई टेस्ट वैलिड रहा है नहीं है, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं एंड ये वर्ल्ड में पहला होगा जो इसकी वैलिडिटी फिक्स होते ही ये हम लेके आएंगे इसको। और एक ने क्वेश्चन किया था अभी मेरे को इसमें याद आ गया कि सर पहले दिन आए तो उसमें किसी सर ने पूछा था कि फर्स्ट डे आए तो हम कैसे करें, ये टेस्ट तो 1.5 साल के बाद लेते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ 1.5 साल का, इसका मतलब कुछ दिन उसमें रेसलिंग में रहे वो तभी लेंगे। फर्स्ट डे जब कोई आए बच्चा तो उसमें सिर्फ हम फास्ट फाइबर देखने के लिए और रेसलिंग का मोशन और स्पीड जो है वो जनरेट होती है पांव से मैट से, इसलिए लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और वर्टिकल जंप और वगैरह जो ये लेते हैं दूसरे खेलों में वो जनरल टेस्ट आप ले सकते हैं उसको खेल में रखने के लिए, लेकिन 2 लेवल पे टैलेंट सिलेक्शन हम करते हैं, पहले 1.5 साल के बाद एक करेंगे, उसके बाद फिर 3 साल में रहेगा, फिर उसके बाद करेंगे, किसी दूसरे गेम में भी जा सकता है, जूडो में चला जाए, उसमें चला जाए, कोई नजदीक के खेल में। तो पहले दिन ही मैं अपनी मेरी जो समझ है वो रेसलिंग के लिए नहीं बता सकते आप, ये रेसलिंग में फिट होगा या नहीं होगा फर्स्ट डे नहीं बता सकते आप, इसलिए उनको 1.5 ईयर रेसलिंग में रखो, मैट पे रखो, फिर आपको पता चलेगा। जैसे हमारी शादियां होती है ना तो हम बातों से कर लेते हैं कई बार शादी, वो अच्छा है जी, वो अच्छा है, वो अच्छा, बाद में पता चलता है ओ तेरा भला हो ये क्यों निकला। जब साथ रहेंगे ना 1.5 साल रहेंगे साथ तब पता चलेगा आपको, उसके साथ रहेंगे रेसलिंग में कितना चलेगा वो आगे जाके, जब उसको एक्सपोज करेंगे उस एनवायरनमेंट में तब पता चलेगा। तो उसको इस पॉइंट के मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि पहले दिन ही आप बता दें ये रेसलिंग का, ये जब इंट्रेक्शन होता है ना मैट पे करेगा, कितनी जल्दी वो बात को पकड़ता है, मेरे साथ किचन में काम करता है कि नहीं करता है, ये सब चीजें है ना आएंगी तो पता चलेगा आपको, ये तो बात है। तो आपको एक बार रेसलिंग की, क्यों रेसलिंग मल्टीफैक्टोरियल स्पोर्ट्स है, इसमें नहीं डिसाइड कर सकते आप, तो ये मेरा इसमें मानना है। और अभी क्वेश्चंस कोई करेगा तो उसको बनाऊंगा तो इसी से बन जाएगी। ओके ओके, अभी कौन क्वेश्चन करेगा, एक मिनट मैं एक बार म्यूट करता हूँ, एक मिनट पार्टिसिपेंट्स में जाकर। यस, कौन पूछेगा, अभी पूछ पूछो। भीम सिंह सर भीम सिंह बोलो, चलो जल्दी बोलो सर, भीम सिंह बोलो सर, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में था जो कल आपने बताया था। हाँ हाँ
जो आपने बताया था उसमें डेढ़ साल के बाद जो बच्चे का टेस्ट लिए तो उसमें तो बच्चे की कोच की भी परफॉर्मेंस उसमें तो आ जाएगी, कोच ने कैसा उसको टीचिंग दिया और बच्चे की टैलेंट की जाएगा वो तो डेढ़ साल के बाद क्या परफॉर्मेंस। नहीं क्या मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा, एक बार रिपीट करो। डेढ़ साल सर, एक तो कोच ही उसमें कोचिंग और टीचिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर बच्चे की वो तो परफॉर्मेंस होगी ना, बच्चे की परफॉर्मेंस। एक मैं आपको बात समझ गया, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा आपके, मैं बात समझ गया। नमस्कार, उसके बाद लेंगे दूसरा, एक मिनट भाई। इन्होंने बात पूछी है, बात बिल्कुल जायज है, पूछने वाली भी है कि डेढ़ साल में तो फिर वो ट्रेनिंग हो जाएगी ना उसकी। यही तो बात है कि आपकी बच्चा मैट की चीजों को कितना क्विक पकड़ता है और उसको डिस्प्ले कैसे करेगा, आपके सामने आके वो डिस्प्ले करेगा। आप उसके जो मूवमेंट्स देखेंगे WMT लगाएंगे, उसमें बच्चे की एक्यूरेसी और उसकी स्पीड देखेंगे। रेसलिंग में हम स्पीड से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, स्पीड से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हम। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो फिर हम उसका देखो, उसका बैच ले लिया, मसल ट्विच फाइबर तो ले लिए, फास्ट ट्विच फाइबर है, लेकिन टेक्निकल मूवमेंट्स जो है वो पकड़ नहीं पा रहा। साइकोमोटर भी ठीक है, हमने डेढ़ साल का टाइम दिया कि वो मैट पे उसकी कैचिंग कितनी है और वो मूवमेंट्स जो है रेसलिंग वाले हैं, चाहे कोच अच्छा है तो अच्छा सिखाएगा, क्या सिखाया। मैं 10 रेसलर हैं, 10 को सिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें 2 ही सीख पा रहे हैं मेरे मूवमेंट्स, 8 नहीं सीख पा रहे। तो ये दिखाएगा कि वो 2 बच्चे हैं वो रेसलिंग का जो मूवमेंट स्ट्रक्चर है उसको अडेप्ट करने की उनकी बॉडी है। वो पता कैसे चलेगा, वो डेढ़ साल का हम उसको करा रहे हैं लेकिन उसमें ट्रेनिंग नहीं दे रहे हम। ट्रेनिंग इज वेरी डेंजरस। ट्रेनिंग इस साल में, ट्रेनिंग का मतलब होता है बच्चों को ज्यादा थकाना, ज्यादा बायोमोटर्स पे काम करना, वो हम उनको प्रैक्टिस और टीचिंग पे ही रखेंगे बस, उससे ऊपर नहीं लेके आएंगे। और वहीं से अगर आपका बच्चा जीतता है तो दैट्स वेरी गुड, वो टैलेंटेड है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं देखता हूँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, कोई लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि हमारे सर भी ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके पूछिए प्लीज। सुखविंदर सर, वंदना, वंदना के बारे में बताइए। लड़कियों की 2 प्रैक्टिस करवाते सर सेम टाइम का, जो मान ले 1.5-2 घंटा है तो उनकी प्रैक्टिस कम या सेम करवाते हम, तो कम ज्यादा करवानी चाहिए क्या उनकी? ये 2 दिन से मैं वेट कर रहा हूँ सर, मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा सर। बोल बको, किसका क्वेश्चन करनी है, बोलते सुखविंदर का ले लेते पहले। वो बोल रहे हैं कि मैं वही ट्रेनिंग उनको करा रहा हूँ, वही उनको करा रहा हूँ, आप करा रहे हैं। कराने का मतलब क्या है, जैसे आप मैट का वर्क दे रहे हैं उनको, मैट के ऊपर जब विसल बजा रहे हैं तो आप 8 मिनट के इंटरवल करा रहे हैं। बच्चों लड़कों को भी 8 मिनट के इंटरवल करा रहे थे, इनको भी 8 मिनट के करा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सेम कराओ, 8 मिनट का उनको 8, लेकिन जब अफर डालेंगे तो लड़के अपना अफर डालेंगे, लड़कियां अपनी अफर डालेंगे। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं आप मैं इनको 2 मिनट नहीं कराऊंगा, उनको 3 मिनट कराऊंगा, ऐसा नहीं है। वो
उनका काम है, वो उनकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से डालेंगे। आप लड़कियों को शेड्यूल दें, जो मैंने बताया है कि अगर आपने एटीसीपी में, उसी के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी ने ग्लाइकोलिटिक स्लो वाली पूछी थी, स्लो ग्लाइकोलिटिक के लिए आपको बताया था 2.5 मिनट से 8 मिनट के बीच के इंटरवल दो उनको स्लो ग्लाइकोलिटिक के लिए। फास्ट को देना है तो आपने 90 सेकेंड से 2.5 मिनट के इंटरवल दो, उसमें फास्ट ग्लाइकोलिटिक होगा, आपको बताया था। आपको एटीसीपी कराना है तो होल ट्रेनिंग दो, या तो या 9 to 90 सेकेंड्स के आप उनको वो दे दो, इंटरवल दे दो, या फिर होल ट्रेनिंग कराओ 3 to 9 सेकेंड की, तो एटीपीसीपी 12 हो जाएगा। तो आपने स्ट्रक्चर जो है आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो लड़कों को और लड़की का मतलब नहीं है उसमें, उसमें जो आपको दिया गया वो शेड्यूल उनको भी देना। आपने एरोबिक करानी है तो 28 मिनट वो अपनी कैपेसिटी से दौड़ेंगे। जैसे वीओ टू मैक्स हम लेते हैं, लड़कियों का वीओ टू मैक्स कम रहता है, लेकिन टेस्ट लेते हैं तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि आप कम स्लो दौड़ो या फास्ट दौड़ो, लड़कों की तरह नहीं दौड़ रही, वो नहीं दौड़ेंगे, उनका वीओ टू मैक्स कम ही रहता है। तो ये शायद क्वेश्चन उनको उनका क्लियर हो गया। दूसरा मैं अब एक बार ये तो मैं कोशिश करूंगा भाई, थोड़ा मेरे को बेयर करें, हमारे सर शायद एड्रेस करेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। हेलो, थोड़ा मेरे को बेयर करो, थोड़ा बेयर करो सर। हाँ सर, आप ज्वाइन करोगे सर? अभी क्लास एंड कर है सर? हाँ सर, टाइम हो गया सर। हाँ लास्ट डे है सर। हाँ किसके वो नाम क्या आएगा सर, उसमें मैं पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ज्वाइन कर लो सर। ओके ओके, नाइस। तो मैं पार्टिसिपेंट में जाऊँगा। हेलो, ये काम कर रहा है क्या? इसे ही कर रहा है ना काम? ओके ओके भाई, थोड़ा सा बेयर करो मेरे को, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी वो बताएंगे, एग्जाम वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे। आप सुनिए उनको प्लीज, आपका वो बता देंगे, थोड़ा सा बेयर करें भाई। और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कोर्स हमारा कैसा रहा, और ये इतने दिन का जो हमने कोशिश की है कि रेसलिंग को थोड़ा सा इन लाइन पे सोचना शुरू करें कोचेज, और अपने अपना यू अप्लाई योर माइंड ऑन दीज पॉइंट्स, और फिर जैसे मैंने कुछ स्टेप भेजा आप लोगों को वो आप उसको कभी कभी देख लिया करो जब आप फ्री हो, तो ऐसे उसमें से निकालने की कोशिश करो कोच का काम क्या हो सकता है, ऐसी चीजें, ठीक है ना? हमने आप बात की थी कि कई बार कोचिज बोलते हैं सर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार उठता है कि कोचिज का जब इवेल्युएशन करते हैं, कोचिज को नापते हैं तो भाई कोच कौन अच्छा है कौन बुरा, तो उसमें ये ध्यान जब लगातार आप कन्विंस करो एडमिनिस्ट्रेशन को या इवेल्युएशन अथॉरिटी को कि हमारे जो एस्पेक्ट है मैट पे कौन जा रहा है, बता कौन रहा है, इन चीजों पे प्रैक्टिस के लिए कौन आगे आ रहा है, इन चीजों को देखें। एक मिनट, मैं सर ने ज्वाइन नहीं किए कर पर कॉल आएगा ज्वाइन करने के, देख रहा हूँ बात करें एक बार और, टाइम तो लगेगा। अपना क्वेश्चन तैयार रखें, एक आध जो है हम जैसे ही सर एंड करेंगे तो हम क्वेश्चन ले लेंगे, और जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं वो छोड़ के दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, दूसरे क्वेश्चन करेंगे।
एक आध क्वेश्चन मैं इतने ले लेता हूँ किसी का, पहले का आया हुआ था रजिस्ट्रेशन का हो गया। ग्राउंड रेसलिंग की, हाँ ग्राउंड रेसलिंग के बारे में पूछा था सुजीत मान पूछा ने शायद पूछा कि ग्राउंड रेसलिंग पे कुछ बोलें। ग्राउंड रेसलिंग का देखिए, ग्राउंड रेसलिंग को जब तक मोटी बात है, ग्राउंड रेसलिंग को आपने मैट के ऊपर कराने के लिए शेड्यूल में डालना ही पड़ेगा। लेकिन वो शायद पूछ रहे थे कि उनका स्ट्रक्चर क्या हो, ये सब ग्राउंड का कैसे रहे? जैसे स्टैंडिंग में मोशन इज इम्पोर्टेंट, ग्राउंड में भी मौसम है, मोशन जरूरी है, एक ही स्टेबल पोजिशन में नहीं। वेट शिफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राउंड में बॉटम रेसलर का, नीचे वाला जो रेसलर है बच रहा है जो, उसका वेट शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड में। और वेट लिफ्ट शिफ्टिंग का बढ़िया एग्जांपल है कि वो ग्रीकों के कुलदीप पोछाम ने एग्जाम दिया था रविंदर का, तो वो वेट कितना जल्दी आप शिफ्ट करते हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड में बचने के लिए। बाकी डिटेल में अगर जाएं तो शिफ्टिंग के साथ आपका ग्राउंड में एक स्टेबल पोजिशन नहीं रहती, हमेशा पोजिशनल डिफेंस होता है रेसलिंग में, और उसके लिए ओपोनेंट क्या करता है उसके हिसाब से आपने बॉडी को मूव करना। एक बार मिला ना सर, एक बार देखना, थोड़ा सा बियर करो मेरे को भाई, थोड़ा सा मैं सर्टिफिकेट कर रहा हूँ, वो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यहाँ पर, उनको इन्फॉर्मेशन देना था कुछ एग्जाम के बारे में, तो मैं बोला आप ही बता देना सर कैसे एग्जाम का क्या रहेगा। 30-31 को शायद वो रखेंगे एग्जाम, और 30 क्वेश्चन शायद आएंगे, उनमें आपने ऑप्शन आएंगे, उनमें से कुछ करना है, टिक करना है सिर्फ, और जो हमने भेज दिया आपको। चलो और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। वार्म अप रेसलिंग के मोमेंट रैंडम एक्सेलरेशन का वेट का 5% ग्राउंड बिगिनर का क्वेश्चन तो मेरे पास आए थे, वो हो गए सारे और क्वेश्चन। जेनेटिक लिपोडिल मेकअप दैट सपोर्ट द एलएमटीओ प्रेशर, हाँ 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 जी सर जी, एडमिट का किस नाम से मैं अभी कर रहा हूँ, होल्ड होल्ड कर, हाँ मैं अभी कर रहा हूँ, NIS कैपिटल लिख रहा हूँ, हाँ सर, यू आर वेलकम सर, हाय सर, सुनिए भाई, थैंक यू कोच साहब, एंड आपका स्ट्रेंथ जो है आज 335 दिखा रहा है, आपने आखिरी दिन तक जो है सबको सबको जो है मोटिवेटेड इन्वॉल्व रखा है, एंड आई मस्ट थैंक एट द एंड स्पेशली थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द कोचेस हु आर देयर विद अस इन दिस जर्नी ऑफ ई लर्निंग, एंड आपने जितने भी सवाल पैनलिस्ट ने जवाब दिए इसका फीडबैक जो है बहुत अच्छा आया है हमारे पास, तो आप सबको जो है हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसका सर्कुलर जो है बहुत जल्दी निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज जो है वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट जो है 30 तारीख को रखा गया है। सिलेबस आपका जो भी आपने अटेंड किया है सिलेबस उसी में से होगा, और ये जो एग्जाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो बना रही है, तो आपके पास लिंक भेजा जाएगा और उस लिंक के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद में इस एग्जाम को आप अपेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सिर्फ अपने आपको जो है ग्रेड करने के लिए है कि कितना समझ में आया, और हर
क्लास के बाद में एक छोटा मोटा टेस्ट तो होना ही चाहिए ताकि हमें पता चले कितना समझ में आया हमें, कितना रिकलेक्ट कर पाए. इट इज नथिंग टू डू विद किसी का जो है कैरियर या कुछ और चीजों से कोई नहीं है. सही कोचेज हैं उनके लिए जो है डीजी साहब ने हुक्म दिया है कि वो कंपलसरी होगा. और फेडरेशन जिन्होंने नॉमिनेट करना चाहती है वो फेडरेशन की तरफ से कोई ऐसा नॉमिनेशन हमारे पास आएगा उनको भी हम कंपलसरी कर देंगे. तो ये इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें. इसका जो मटेरियल है आज क्लास खत्म हुई है, अगले एक या दो दिन में हमारे एनआईएस की जो वेबसाइट है और साई की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा. तो आप लोग जो है सारी रिकॉर्डिंग सारे क्लासेस की उस पर देख सकते हैं. एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने पेशेंटली जो है इस कोर्स को सुना. आई थिंक आपने इंजॉय भी किया होगा. रेसलिंग को जो है मैट पे ज्यादा इंजॉय करते हैं, बट ऑनलाइन भी जो है ओम प्रकाश साहब ने इंश्योर किया. बीच में जो है काफी इनोवेशन भी डाले और काफी जो है पेपरों में भी छाए रहे और फेसबुक पे छाए रहे. तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. ओम प्रकाश जी आप ले सकते हैं, किसी के क्वेश्चन लेने हैं आपने. ठीक है सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके 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 भाई, अभी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका. मेरे को राजीव, थैंक्स सर. और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं. क्वेश्चन से मेरे को परेशान कर रहे हो, कोई फीडबैक भी दे दो कैसा रहा कोर्स कैसा रहा. तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, दो मिनट के लिए सिर्फ. उस आप प्लीज मेरे को कोऑपरेट करें, ऐसा ना करें. हमारी बहुत बढ़ाई हो रही है रेसलिंग के, सभी कोचेज ने बहुत अच्छे अटेंड किए, तो आप थोड़ा सा मेरे को चांस दे दें. मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ वो बोलेंगे अपना विजयपाल बोलो सर. बस सर ये जो जर्नल इंडोरेंस हम डेवलप करेंगे बच्चों की, तो इसमें एक वो है जी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, यानी कि जो उसका पर मिनट हर्ट रेट है. हार्ट से आप देखना चाह रहे हैं? ओके नो प्रॉब्लम. मैंने बताया था आपको 28 मिनट्स हार्ट पे आप 60-80% नहीं बात बोलने लग गया कि बोल रहा हूं. सुनो भाई सुनो, बंद किया है खत्म हो रहा काम. 68% दूसरे मत बोलो प्लीज. 68% सुनो, 60-80% मैक्सिमम हार्ट रेट से निकाल लो आप, उसमें थोड़ा होगा. वो सही नहीं है ये बंद कर दे. ओके 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 शुक्ला जी बोलो जल्दी में, आपका क्वेश्चन लास्ट है शुक्ला जी. जी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ जी. अरे बड़ा कंडक्ट के बारे में भी बोले थे. कंडक्ट के बारे में ओके शुक्ला जी बोल नहीं पा रहे. पीटी सर जी बोल सर. सर शुक्ला जी ने शुक्ला जी बोल रहे हैं क्या कोई? हां जी सर जी, मैं बता रहा था आपको जी. बोलो फिर. अपने ग्रीको रोमन में कौन सी बायो एनर्जेटिक यूज होती है जी? एरोबिक इलेक्ट्रिक की. एरोबिक इलेक्ट्रिक जी. ओके 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 गुड ओके ओके भाई ओके. लास्ट क्वेश्चंस हैं. एक तो विजयपाल का पता नहीं, वो नहीं है, वो अलग से बात कर लेंगे हम. कोई बात ना, जिसको कन्विंस नहीं हो कर पाया मैं. और शुक्ला जी बोल रहे हैं, शायद शुक्ला जी ने बताया कि जो बायो एनर्जेटिक्स हैं वो इसके ग्रीको के क्या अलग हैं क्या? देखो बायो एनर्जेटिक्स जो मैंने बताया था आपको 80-20 और ये दोनों के ही 80-90% एनारोबिक और 10-20 एरोबिक, ये एग्जैक्टली सेम है. लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है ये आप सुन लीजिए. ग्रीको रोमन में लेग स्ट्रेंथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए ग्रीको रोमन के बच्चे अगर आप वेट रूम में नहीं ले जाएं, वेट ट्रेनिंग हॉल में नहीं ले जाएं, तो आप अच्छी कोचिंग नहीं कर रहे. आपके ग्रीको रोमन में, ग्रीको रोमन के बच्चों को वेट ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिसर्च बोल रही है कि उनकी लेग स्ट्रेंथ चाहिए. और लेग स्ट्रेंथ हैवियर मसल होती है, हमारी हैवियर मसल होती है. वो कमजोर रहेंगे तो आपकी इंजरी के चांस, आप बैक से उठाएंगे अपोनेंट को,
हाथों से उठाएंगे अपोनेंट को, शोल्डर पे लगेगा आपको उठाने के लिए ज्यादा, क्योंकि कुलदीप ने जो रिसर्च शेयर की थी, कुलदीप पोचाब ने, उसमें इट वॉज वेरी क्लियर रिसर्च में कि आपका वर्टिकल फोर्स चाहिए ही चाहिए आपको ग्रीको रोमन में। थ्रोज इंपोर्टेंट है उसमें, डोमिनेट करते हैं, टोटल परसेंटेज ऑफ थ्रो ज्यादा है ग्रीको रोमन में। जब थ्रो वर्ड हम बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब थ्रो तभी होता है जब कोई चीज उठती है, मैट से ऊपर उठेगी तभी तो थ्रो करोगे ना, इसलिए वर्टिकल फोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट इन ग्रीको रोमन एंड देयरफॉर दे शुड विजिट वेट ट्रेनिंग रूम फ्रीक्वेंटली मोर देन डिस्टेंस। जब इनके देखे गए बायोमोटर में डिफरेंस, तो एजिलिटी और कोर स्ट्रेंथ फ्री स्टाइल की ज्यादा निकली, क्योंकि जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि फ्री स्टाइल में ओरिजेंटल फोर्स ज्यादा मैटर करती है, वेट को बेस से बाहर रहता है उसको वापिस लेके आने के लिए, बाहर जाने के लिए, इसलिए उनकी कोर स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। लेकिन लेग स्ट्रेंथ में ग्रीको रोमन ऊपर है काफी, इसलिए उनको वेट रूम में ज्यादा ले जाना चाहिए। और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, सभी का थैंक्स। मैं कोशिश कर रहा था कि फीडबैक दें ये कोर्स कैसा रहा, मैंने मेरी कोशिश की, मेरे स्वभाव में भी है जैसा, उस स्वभाव के हिसाब से मैंने अपनी जितनी कोशिश हो सकती थी, सिलेबस भी मैंने ऐसा बनाया ताकि जो मेन चीज है रेसलिंग में वो कोचिज उस पर डिस्कस करें, उस पर बात हो, उस पर चर्चा हो, होनी चाहिए जो मेन चीजें हैं उनके ऊपर। सिलेबस बनाते समय मैंने इनका ध्यान रख के बनाया, और मैं आप सब लोगों का, दिस द लास्ट सेशन, इसलिए सभी कोचिज का जिस एंथुसियाज्म से आपने पार्टिसिपेट किया, ये आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, सभी कोचिज से। और जो नहीं कर पाए उनको भी आप जो मैंने पीपीटी भेजी है उनके पॉइंट्स पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और मैं इसके साथ हमारे डिपार्टमेंट का, प्रधान सर का, हमारे ईडी सर, यहाँ पर सीनियर ईडी सर हैं जो बोल के गए हैं, राज सिंह बिश्नोई जी, उनका भी थैंक्स करना चाहता हूँ कि मेरे को उन्होंने प्रोग्राम का डायरेक्टर बनाया और इसको कंडक्ट करने के लिए जिम्मेवारी दी, और मैंने अपनी कोशिश की, कितना मैं सक्सेसफुल रहा ये आप लोगों पे डिपेंड है, कैसा आपने इवेल्युएट किया मेरे को। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, दिस इज द लास्ट सेशन। आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं कॉन्टेक्ट, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी, ओके बाय, स्टे इंडोर्स और कोरोना से बचिए, अंदर रहिए सर बस।